बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? इसका फैसला तो 10 नवंबर को होना है, लेकिन सूबे के मतदाताओं ने अपने तीसरे और अंतिम चरण के साथ ये भी तय ही कर लिया होगा। चुनाव खत्म होने के बाद आए कई एग्जिट पोल में महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलती दिख रही है। वहीं कई एग्जिट पोल में सत्ताधारी एनडीए जबरदस्त फाइट में है। अगर वाकई में महागठबंधन की सरकार बन रही है तो आरजेडी के तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे और इसके साथ ही वो देश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। बता दें कि तेजस्वी 31 साल के हैं और नीतीश कुमार 69 साल के हैं। दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे युवा उम्मीदवार हैं। बिहार के युवाओं ने बढ़ चढ़कर महागठबंधन को समर्थन दिया है, ऐसा मैं नहीं बल्कि आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल कह रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक तेजस्वी मुख्यमंत्री पद के लिए लोगों की पहली पसंद है। इसके लिए कुछ 44% लोगों ने अपना समर्थन दिया है, जबकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के लिए 35% लोगों की पसंद है। आज तक एक्सिस पोल के मुताबिक 18 से 25 साल की आयु वाले वोटरों में से 47% ने तेजस्वी के महागठबंधन को चुना है। इसी आयु के वोटरों ने 64% एनडीए का समर्थन किया है। बताते चलें कि सूबे के बुजुर्गों में एनडीए लोकप्रिय रहा है, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों में झांका जाए तो इस बार युवाओं को न लुभा पाना नीतीश कुमार के लिए खतरा बन सकता है। खास बात यह है कि इस बार चुनाव में बिहार के कई युवा चेहरा हैं, जैसे एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान और खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताने वाली पुष्पम प्रिया, जो प्लूरल्स पार्टी से चुनावी मैदान में है। हालांकि इन दोनों नेताओं ने युवाओं को लुभाने में कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं। वहीं इंडिया टुडे एग्जिट माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक 44% वोटरों की पसंद तेजस्वी यादव है, जबकि नीतीश कुमार को 35% लोगों की पसंद बताया गया है। चिराग पासवान को 7% और उपेंद्र कुशवाहा को 4% लोगों ने पसंद किया है। वहीं पप्पू यादव, पुष्पम प्रिया, जीताराम मांझी और गिरिराज सिंह को 1-1% वोटरों के मत जाते दिख रहे हैं। फिलहाल तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो देश के सबसे कम उम्र के सीएम होंगे। इससे पहले पेमा खांडू, जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो 37 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए थे। फिलहाल 10 नवंबर को पता चल जाएगा कि बिहार की सत्ता में कौन काबिज होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।